अस्सलाम वालेकुम याबुल फजल अल अब्बास। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हमने सबसे पहले आगाज़ किया, गाज़ी अब्बास को सलाम किया, आके दुआ की आप सबके लिए भी की मैंने और अपने लिए भी की। आप लोग भी हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, क्योंकि दुआ में बहुत पावर होती है और बहुत 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 ज़्यादा पावर होती है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें आज के डे की, आज के व्लॉग की, तो आज है 29 रमज़ान मुबारक। और हो सकता है कि कल ईद हो जाए, और हो सकता है कि परसों ईद हो जाए, और कल चांद रात हो जाए। और अगर कल ईद हो गई तो आज है चांद रात। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और आज का डे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सब मुसलमानों की लाइफ में, क्योंकि आखिरी अगर रोज़ा है तो बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं कल ईद की। और वैसे भी अलविदा कहना होता है इस माह को, उस माह को जिस माह का हमें पूरे साल में इंतज़ार होता है, और हम शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान आए, कब उसकी वाइब्स, उसका सारा वो फैमिली के साथ गैदरिंग टाइम गुजारना, स्पेंड करना, सहरी अफ्तारी, हम वो सारा इंजॉय करें। ये महीना बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है अपने साथ, क्योंकि इस माह को, मतलब ये माह अल्लाह ताला को भी बहुत अजीज़ है, तो वो इस माह में रहमत अपनी, मतलब लोगों को माफ़ करना, मग़फ़रत, बहुत कुछ होता है इस माह में। वैसे तो अब आज 29 रमज़ान है, तो अगर वैसे ना भी हुई कल ईद, परसों भी हो गई, तो अलविदा तो कहना है हमें रमज़ान को। हर दफ़ा रमज़ान आता है कुछ न कुछ हमें सबक दे के जाता है, अगर इंसान सीखने वाला हो तब। इंसान को कुछ न कुछ अपनी लाइफ से, अपने आने वाले टाइम से, कुछ अच्छी चीज़ों से, कुछ अच्छे टाइम से सीखना चाहिए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। सही है, रमज़ान हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो चीज़ हमें रमज़ान के रोज़े सिखाते हैं वो सब्र है, जैसे हमारे मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने करबला में दिखाया, भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ वहाँ जो शहीद हो गए, और किस तरह उन्होंने सब्र किया। वो सब्र हमें इस रमज़ान में, हम सिर्फ सुबह से शाम तक, वो भी हमें पता होता है कि हमने वो भी हमने सुबह अच्छे से खाया होता है, रात को भी अच्छे से खाना होता है, लेकिन फिर भी हम सब्र करना सीखते हैं। तो ये सब्र हमें उस वाक़े की याद दिलाता है जो मुहर्रम 10 करबला को हुआ था, मौला इमाम हुसैन का वाक्य। जी, अगर बात कर ली जाए आज के व्लॉग की, तो उसका ये है सीन के अभी नीचे मेरे कुछ बहन भाई तो भी सोए हुए थे, तो मैं उठ के आ गई ऊपर, मैंने आके आपके लिए व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। तो कुछ मामा उठ के बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी अली, और मेरी छोटी बहन भी शायद उठ गई है राउंड अबाउट, तो देखते हैं अभी जाके नीचे। कल के व्लॉग में कपड़े आयरन होने वाले रह गए थे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था, बाबा आ गए थे और काम बहुत ज़्यादा थे करने वाले, मामा ने कुकिंग वगैरह भी करनी थी, तो उसके बाद मुझे फिर थोड़ी सी उनके साथ हेल्प करवानी पड़ गई, डेट्स वाई हमें वो सीन शूट नहीं कर पाए, तो वो व्लॉग टू भी कंटिन्यू हो गया था। तो आज हम वो सारी चीज़ें कैप्चर करेंगे जो अगर चांद रात हुई तो किस तरह हम चांद रात मनाते हैं, और सबके साथ कैसे आज शुगल वगैरह लगता है हमको सिखा रही है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे और आप हमारे साथ कंटिन्यू रह सकें हमारे डेली व्लॉग में। और इस वीडियो को जल्दी मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताइए पैसे भरे आपको, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूं।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं नजर आया, बदतमीज ना हो तो। जैसे पिछली दफा नहीं वो न्यूज फैली थी कि ख्वातीन हजरात आपके लिए ऐलान किया जाता है कि शवाल का चांद नजर नहीं आया, वो नहीं हमने ऑन को डराया था मैंने। वो ये इसकी क्वीज के साथ होनी है, ये फिर फालिया की वो तो खड़ी है ना अंदर इसके साथ चलेगी मेरी जब पहनी होगी बड़ा कुछ बनाएगा मामा। हैक